नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सीएसके वर्स लखनऊ के बीच में जो आईपीएल का 39वां मुकाबला खेला जाने वाला है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और भाइयों, मज़ा आ रहा है आईपीएल के हर मैच में? आपका भाई एकदम सटीक प्रेडिक्शन दे रहा है। कल जयसवाल का बोला था, जयसवाल ने ठोके ना, और आपको ओपन टीम में कैप्टन बना के दिया, अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप किया। संदीप शर्मा के साथ में मेरा वीसी था, फिर भी ग्रेड लीग मिस हो गई एक प्लेयर की वजह से बस। तो आना देखना टेलीग्राम पे, कल का रिजल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त था। बाकी भाइयों, बैक टू बैक हर मैच में परफेक्ट सीवीसी दे रहा हूँ, यकीन नहीं है सारी वीडियो खोल के देख लो। एसआरएच और डीसी का मैच हुआ था उस दिन, आपको नटराजन और ट्रेविस हेड कैप्टन दिए, वॉइस कैप्टन, कैप्टन वॉइस कैप्टन। उसके बाद में केकेआर और आरसीबी का मैच था, रसेल और विलजेक आपको सीवीसी दिए। अब कल देख लो, तो कल आपको मैंने क्लियर बोल दिया था, जयसवाल भाई चलने वाला है, कैप्टन बनाना है, कैप्टन बना है। संदीप शर्मा को ओपन टीम में लेके दिया, क्योंकि भाई उसकी खबर नहीं थी कि खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन जैसे ही खेला लाइव में क्लियर बोल दिया कि संदीप शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 बजे लाइव भी आता हूँ भाइयों, कुछ अगर प्लेइंग 11 में चेंजेस होते हैं तो वो भी अपडेट दे देता हूँ। तो लाइव सेशन प्लस वीडियो दोनों अगर आपने ध्यान से देख लिया, पर डे आप ग्रैंड लीग जीतोगे भाई, क्योंकि मेरे ही बंदे पर डे ग्रैंड लीग जीत रहे हैं। कल भी सबको ग्रैंड लीग जिताइए, यकीन नहीं है, टेलीग्राम पे आओ, टीम देखो मेरी, वीडियो की टीम देखो कल आप, वीडियो का प्रेडिक्शन सुनो, एक एक बात आपकी आपके भाई की सही गई है। तो भाइयों, क्या ही बात करूं लास्ट मैचों की, हर मैच में आपका भाई धमाके कर रहा है। और इस बार आईपीएल में आपके भाई ने 10+ मैचों में ग्रैंड लीग विन करी है, करवाई है। और आज का जो मैच है, आज का मैच भी बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। सीधे बात करते हैं आज के मैच के ऊपर, आज के मैच में क्या होने वाला है उसके ऊपर। तो भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे आज के मैच की पिच रिपोर्ट की। एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मैच खेला जाएगा। इस ग्राउंड को चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे होता क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाइयों, यहाँ पे आज आपको स्पिनर्स का बोलबाला दिखाई देने वाला है। बोलोगे भाई ऐसा क्यों? तो भाइयों, इस पिच पे लास्ट मैच देख लो, जडेजा ने 3 विकेट निकाले थे केकेआर के खिलाफ जो मैच हुआ था, ठीक है, और सुनील नारायण ने भी लिए थे। चेन्नई की जो पीछे भाई बहुत फेमस है स्पिनर्स के नाम से, यहाँ पे स्पिनर्स का दबदबा है, बॉल बाला रहता है यहाँ पे स्पिनर्स का। तो आज के मैच में आपको स्पिनर्स का बॉल बाला दिखाई देने वाला है। और जो सीवीसी रहेंगे मेरे, दो स्पिनर्स रहने वाले हैं, वो कौन रहेंगे आपको वीडियो जब टीम बनाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है भाइयों। तो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, एक बात तो आपको समझ में आ गई। आज चेन्नई के जीतने के ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। लखनऊ से लास्ट जो हार मिली थी उसका बदला लखनऊ ने, लखनऊ में चेन्नई को हराया, आज चेन्नई में लखनऊ को चेन्नई हरा सकती है, ठीक है। कल राजस्थान का बोला था, राजस्थान जीती ना, तो आज के मैच में चेन्नई मुझे लग रही है कि आज का मैच वन साइडेड या फिर टक्कर का भी होता है, तो चेन्नई मुझे लगता है कि आज के मैच में हावी रहने वाली है, ठीक है भाइयों। बाकी अब पिच पे क्या होगा, देखो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। एक चीज और है जिसकी वजह से हो सकता है लखनऊ जीत जाए, टॉस। जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग का डिसीजन लेने वाली, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ड्यू फैक्टर रहता है जिसकी वजह से चेस करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। तो ड्यू फैक्टर रहेगा, ड्यू फैक्टर की वजह से चेस करना आसान रहेगा, ठीक है, ये भी चीज़ आप समझ गए। अब इसके अलावा क्या है इस पिच पे, तो भाइयों फास्ट गेंदबाज कौन से लेने हैं? देखो मैंने स्पिनर्स बता दिए आपको, ड्यू फैक्टर का बता दिया कि चेस होने वाला है, अब उसमें बल्लेबाज कौन से लेना रहेंगे वो आपको टीम बनाते हुए बताऊंगा। बात करेंगे फास्ट गेंदबाजों की, तो देखो भाई स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरे ओवर स्पिनर फेंकेंगे भाई। 16 से लेके 20 ओवर जो होते हैं डेथ ओवर्स के, जहाँ पे ज़्यादातर विकेट गिरते हैं, वो तो फास्ट गेंदबाजी डालेंगे। तो उस टाइम पे कौन से फास्ट गेंदबाज बॉलिंग करने आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और सेकेंड इनिंग में कौन से फास्ट गेंदबाज विकेट निकालेंगे वो भी आपको पूरा क्लियर समझा दूंगा। तो भाइयों, पिच रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ एक बात बहुत खास है कि स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, और स्पिनर्स को आज के मैच में लोग ले नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ का आप एडवांटेज ले सकते हो। आज के मैच में स्पिनर्स को टीम में लो और मैच को अपनी जेब में भरो, ठीक है, स्पिनर्स को टीम में डालो, मैच को अपनी जेब में डालो, ऐसा काम रहेगा आज के मैच में, ठीक है। बाकी प्लेयर्स और भी
ये नहीं कि बस स्पिनर ही, फास्ट गेंदबाज कौन से लेना है, बल्लेबाज कौन से लेना है, किस कंडीशन में, सब आपको टीम बनाते हुए बताऊंगा। ठीक है भाई, तो आज के मैच की ये थी पिच रिपोर्ट, और अगर पिच में कुछ अपडेट्स आती है तो फाइनल पिच रिपोर्ट तो आपको 6 बजे लाइव आके बता ही देता हूँ, फाइनल पिच रिपोर्ट। तो अब बात करेंगे सीधे आज के मैच की टीम के ऊपर, आज के मैच में मेरी क्या टीम रहने वाली है उसके ऊपर। उससे पहले लेकिन आपको आपका गिव अवे बता देता हूँ कैसे मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको बता दूं भाई, हर वीडियो में आईपीएल की हर वीडियो में गिव अवे देता हूँ, आईपीएल के हर मैच में गिव अवे देता हूँ। मिलेगा कैसे आपको समझा देता हूँ। गिव अवे मिलेगा भाई आपको लीग इलेवन पे। लीग इलेवन आपके पास में नहीं है, अच्छी बात है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने पर आपको मेरी तरफ से 100 रुपये भी फ्री मिलने वाला है। साथ में दो तीन चीज़ें हैं लीग इलेवन की जो बहुत ही खास चीज़ें हैं, बता देता हूँ। देखो ये तो 15,000 रुपये का गिव अवे आपको मिल गया, प्लस यहाँ पे 22 रुपये की ग्रैंड लीग है सिर्फ 9,999 स्पोर््ट्स की, जिसमें आप आईफोन 15 प्लस 66,000 रुपये विन कर सकते हो आसानी से। इसमें भाई आसानी से विनिंग हो जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत कम रहता है, ठीक है, और स्पोर्ट्स कितने कम है। अब इसके अलावा एक चीज़ खास बात हो रही है जिसकी वजह से मैं स्मॉल लीग्स जो है 3 मेंबर 4 मेंबर के जो कॉन्टेस्ट होते हैं सिर्फ यहीं पे खेलता हूँ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ये, जो कॉन्टेस्ट 3,850 का होता है यहाँ पे 3,665 का मिलता है, जो कॉन्टेस्ट 2,999 का होता है यहाँ पे 2,725 का मिलता है। तो क्या समझे भाई, यहाँ पे एंट्री फीस बहुत कम है, यहाँ पे आपका पैसा बचता है, कम पैसों में ज़्यादा विनिंग्स होती है, प्लस कॉम्पिटिशन कम है तो आसानी से विनिंग्स होती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। देखो भाई, किसको कम पैसों में ज़्यादा विनिंग करना पसंद नहीं है, यहाँ पे भाई वो सस्ता मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खास बात है लीग इलेवन की जो सारी फैंटेसी ऐप से अलग बनाती है लीग इलेवन को। लीग इलेवन पे भाई TDS आपका नहीं कटेगा, कितना भी आप विड्रॉल ले सकते हो, यहाँ पे आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। बाकी आप दूसरी साइड पे 10,000 रुपये भी विन करोगे तो आपके अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपये आप विड्रॉल कर सकते हो, 28% आपको टैक्स देना होगा। यहाँ पे भाई आप करोड़ों रुपये विन करो, करोड़ों रुपये विड्रॉल करो, नो टैक्स, तो भाई TDS फ्री है, और क्या चाहिए। इसीलिए भाई लीग इलेवन पे स्मॉल लीग्स खेलता हूँ, और लीग इलेवन की स्मॉल लीग टीम आपको हर मैच में मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे ही देता हूँ। और हाँ, टेलीग्राम से याद आया कि भाइयों मेरा ओल्ड चैनल जो है वो डिलीट हो गया है, उसको मैं रिकवर करने में लगा हुआ हूँ। देखो कब तक के रिकवर होता है, प्रोसेस तो चालू है, अब रिकवर कब होगा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, बाकी मैंने न्यू चैनल अपना बना लिया है भाई, अगर आप ओल्ड चैनल में थे, आपके पास में मेरा चैनल नहीं है, तो भाई न्यू चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में जाना, मैंने अपनी कमेंट पिन करके रखी है, वहीं पे लीग इलेवन डाउनलोड करने की भी लिंक है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की भी लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना। पर डे जैकपॉट दे रहा हूँ, हर मैच में एक तरफा विन करवा रहा हूँ, आप यकीन नहीं है टेलीग्राम पे आके देख लो। न्यू चैनल याद से ज्वाइन कर लेना भाइयों, ठीक है, पर डे आपको मेरी वहाँ पे अपडेट टीम्स मिलती रहेगी, क्योंकि मेरा ओल्ड चैनल तो यार बताऊंगा जब आएगा क्यों गया था और किसने किसका काम था, पहले मैं रिकवर करने पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है भाइयों, बाकी लीग इलेवन डाउनलोड कर लेना, लीग इलेवन की टीम आपको मैं टेलीग्राम पे हर रोज देता हूँ, और आज के मैच की भी आपको मिल जाएगी, और आज का मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त है भाइयों। ठीक है, तो लीग इलेवन का समझा दिया भाई, इतना कुछ कोई नहीं देता, 15,000 का गिव अवे, 100 रुपये डाउनलोड करने पर TDS फ्री, प्लस एंट्री फीस कम, प्लस कॉम्पिटिशन कम, तो बहुत कुछ है भाई लीग इलेवन पे। मेरी तो फेवरेट ऐप है, यहीं पे खेलता हूँ भाइयों। और हाँ, जिंदगी में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है लीग इलेवन को लेके, तो आपका भाई बैठा है दूसरी साइड पे, आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा उसमें कुछ भी हेल्प आपकी, लेकिन हाँ लीग इलेवन से कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपका भाई बैठा हुआ है। ठीक है, तो लीग इलेवन डाउनलोड कर लेना, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। अब बात करेंगे सीधे आज के मैच की टीम के ऊपर, आज के मैच में मेरी क्या टीम रहने वाली है उसके ऊपर। तो सीधे ओपन कर लेता हूँ, सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन। तो विकेट कीपर्स में आज के मैच में भाई, लास्ट मैच में तो 4 विकेट कीपर चले थे, क्या आज भी, चलो बात कर लेते हैं। देखो भाई, जो लास्ट मैच में होता है वो सेकेंड मैच में होना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब सीधे विकेट कीपर में कि मैं किस किस को लेने वाला हूँ। देखो भाई, मैं नॉर्मल सा आज वही जो मैंने कल बोला था, जो टीम चेस करेगी उसके फेवर में रहने वाला हूँ। तो दो टीम आपको बना के बताऊंगा, मान के चलो लखनऊ पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में, मान के चलो CSK पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में, जब टॉस हो जाएगा तो एक फाइनल हो जाएगी। ठीक है भाइयों, तो बात कर लेते हैं अब सीधे
चलो पहले मैं आपको टीम बना के बता देता हूँ। अगर लखनऊ जैसे मान के चलो पहले बॉलिंग करती उस कंडीशन में, कौन कौन से प्लेयर्स को लूंगा उसके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। राहुल लास्ट मैच में ही बोला था जबरदस्त रहने वाला, कैप्टन बना था। आज के मैच में क्या कर सकता है राहुल? तो देखो भाई, विकेट कीपिंग कर रहा है, प्लस ओपनिंग कर रहा है, प्लस इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, और कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, हमेशा रन बनाता है। तो राहुल को तो भाई ले ही लो, क्योंकि विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट दिलाएगा, साथ में ओपनिंग भी करेगा, कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, लास्ट मैच में भी जबरदस्त इनिंग खेल के आया है, तो राहुल को मैं लेने वाला हूँ। बात करेंगे निकोलस पूरन की, तो भाई वो पूरन को भी बिल्कुल ले सकते हो। सीएसके के खिलाफ हमेशा रन बना था, लास्ट मैच में भी प्रमोट कर दिया था भाई। तो पूरन की बैटिंग आ ही जाती है, या तो विकेट गिरते हैं तो आ जाती है, नहीं तो उसको प्रमोट कर देते हैं। तो पूरन भी भाई चेस करते हुए इम्पोर्टेंट रहेगा, पूरन को भी लेने वाला हूँ। ठीक है, बात करेंगे क्विंटन डिकॉक की। तो देखो भाई, लखनऊ हो सकता है कि 10 विकेट 9 विकेट से जीत गई, जैसे कल राजस्थान जीत गई, ये ड्यू फैक्टर रहता भाई, यहाँ पे चेजिंग करना थोड़ा आसान रहता है। तो चेस करते हुए आपको डिकॉक भी बढ़िया काम करके दे सकता है, इसलिए डिकॉक को भी मैं लेने वाला हूँ। ये जो तीन प्लेयर हैं, ये लखनऊ की अनवन शान है, इन्हीं के दम पर लखनऊ हमेशा मैच विन करती है। तो ये तीनों मैच विनर प्लेयर लेने वाला हूँ अगर लखनऊ चेस करती है तो, क्योंकि फिर जीतने के चांसेस रहेंगे लखनऊ के। तो ये तीन जबरदस्त रहेंगे चेस करते हुए खासकर। ठीक है भाइयों, बात करेंगे धोनी की। तो भाइयों, धोनी को भी आप ले सकते हो, लास्ट मैच में फर्स्ट बैटिंग में जबरदस्त बैटिंग की। धोनी को बस यार 10 बॉलें मिल जाए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि धोनी भाई जो फॉर्म, अरे यार क्या ही बोलूं, बस यार थोड़ा ऊपर आ जाए तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने लायक प्लेयर। धोनी मेरा फेवरेट प्लेयर है भाइयों, आपको कई बार बता चुका हूँ। और बस यार टीम में नहीं लेता हूँ क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे रहता है, बाकी हाँ ग्रैंड लीग की टीमों में जरूर लेता हूँ। और आज के मैच में भी आप ग्रैंड लीग में बिल्कुल ले सकते हो अगर सीएसके पहले बैटिंग करती है, क्योंकि आज भी हो सकता है कि पहले बैटिंग करते हुए धोनी की बैटिंग आ जाए। तो देख लेना, धोनी को विकेट कीपिंग भी करता है, विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट दिलाएगा, और फॉर्म अभी अच्छा है तो हो सकता है भाई थोड़ा प्रमोट भी हो जाए, प्रमोट खुद ही कर ले, वो तो भाई सब धोनी भाई के हाथ में रहता है। तो यहाँ से तीन विकेट कीपर लिए, धोनी का भी समझा दिया, ले सकते हो इसी टीम में, खासकर लखनऊ पहले बॉलिंग करती उसी कंडीशन में। ठीक है, और अगर लखनऊ के फेवर में टीम बना रहे हो तो धोनी को जरूर लेना, क्योंकि लखनऊ जीतेगी तो धोनी की बैटिंग जरूर आएगी। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। अभी के लिए मैंने यहाँ से तीन विकेट कीपर लिए, चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में किस किस को लेने वाला हूँ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कौन कौन खेलने वाला है। तो भाई ऋतुराज एकवाड़, शिवम दुबे, रचिंद्र रविंद्र, तीनों आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। डेरिल मिचेल का इस मैच में भी खेलना है लगभग मुश्किल, क्योंकि मोइन अली को खिलाना है जरूरी, लखनऊ के खिलाफ हमेशा मोइन अली चलता है। तो लास्ट मैच में भी आपको बताई थी यही बात, जब किसी को पता भी नहीं था मोइन अली खेलेगा तब मैंने आपको टीम में लेके दिया था। तो डेरिल मिचेल की जगह पे आज भी आपको मोइन अली ही खेलता हुआ दिखाई देगा, लगभग कन्फर्म है। अजिंक्य रहाणे, रहाणे ने लास्ट मैच में जबरदस्त इनिंग खेली, ओपनिंग कर रहा है भाइयों, और सब्स्टिट्यूट हो जाता है क्योंकि कुछ इंजरी है जिसकी वजह से फील्डिंग नहीं कर रहा है। तो रहाणे ओपनिंग पे आपको दिखाई देने वाला है, खेलने वाला है इस मैच में भी। बात करेंगे दीपक हुड्डा की। तो भाई देखो, दीपक हुड्डा वन डाउन मेंशन रहता है, लेकिन आ कौन जाता है, पूरन कभी स्टोइनिस, तो दीपक हुड्डा का बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं है। अगर हाँ लखनऊ के धड़ाधड़ विकेट गिरते हैं तो जल्दी से आ जाएगा, अगर पहला विकेट जल्दी गिर गया तो हो सकता है कि दीपक हुड्डा को ही पहुँचा दे। हाँ, अगर लखनऊ का विकेट लेट गिरता है पहला, तो फिर हो सकता है आपको पूरन दिखाई दे वन डाउन फिर से, क्योंकि कम बॉलों में जब ज़्यादा रन चाहिए रहेंगे तो हुड्डा को थोड़ी ना ऐसे ही बल्लेबाज को पहुँचाएंगे ना, तो जो कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाता हो, तो वही चीज़ है। ठीक है, बदोनी भी आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, एसरेज भी लास्ट मैच में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खिला लिया चेन्नई ने, क्योंकि विकेट गिर गए थे बहुत ज़्यादा, नहीं तो बॉलर ही आता सेकेंड इनिंग में। चलो बात करते हैं कि भाई बैटिंग सेक्शन में मैं किस किस को लेने वाला हूँ उसके ऊपर। तो भाई वो बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा नहीं उलझने वाला हूँ, सीधे मैं यहाँ से रचिंद्र रविंद्र के साथ जाने वाला हूँ। क्यों जाने वाला हूँ? देखो भाई, आज के मैच में हो सकता है रचिंद्र रविंद्र आपको बॉलिंग भी करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि चेन्नई के पीछे स्पिनर्स का यहाँ पे दबदबा रहता है। तो रचिंद्र रविंद्र भी एक स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलिंग इस आईपीएल में कम करी है, लेकिन हाँ जब केकेआर के साथ में मैच था तो बॉलिंग करने आया था, देखा था आपने। तो आज के मैच में भी आ सकता है, इसी पिच पे लास्ट मैच में बॉलिंग करी थी। तो रचिंद्र रविंद्र आज के मैच में आपको बॉलिंग डालता हुआ दिखाई दे सकता है। और क्या है भाइयों, बहुत सारे मैचों से फ्लॉप चल रहा है, तो जो कल काम जयसवाल ने किया हो सकता है आज वो काम आपको रचिंद्र रविंद्र करता हुआ दिखाई दे। तो रचिंद्र रविंद्र भाइयों आज के मैच में इंपॉर्टेंट है, प्लस बॉलिंग भी कर सकता है, तो मैं रचिंद्र रविंद्र को दोनों ही कंडीशन में लेने वाला हूँ।
और क्या है कि सीएसके पहले बैटिंग करती तो इम्पोर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि शुरू में यहाँ पे विकेट गिरना मुश्किल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता विकेट फिर धड़ाधड़ गिरने लगते हैं, तो शुरू में विकेट नहीं जाता, इसलिए फर्स्ट इनिंग के ओपनर भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ से ऋतुराज गायकवाड़ को भी लेने वाला हूँ, ठीक है भाइयों। पहले बैटिंग अगर सीएसके कर रही तो उनके दो ओपनर जरूर रखने वाला हूँ, क्योंकि शुरू में ज़्यादा मूवमेंट मिलता नहीं, और हो सकता है भाई दोनों ही ओपनर मैच पलट दे, पूरा लंबी पार्टनरशिप कर दे, तो फिर हो सकता है सीएसके हावी हो जाए, है ना। तो इन दोनों को रखना जरूरी है, पहले बैटिंग में भी और बाद में बैटिंग में भी। जो दोनों टीमों के ओपनर है आज के मैच में, चारों ओपनर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, दो उधर से दो इधर से, तो कवर कर रहा हूँ ओपनरों को, ठीक है भाइयों। यहाँ से ऋतुराज गायकवाड़, रचिंद्र रविंद्र को लिया है, शिवम दुबे को भाइयों आज भी ड्रॉप करने वाला हूँ, लास्ट मैच में बोला था फ्लॉप जाएगा, लास्ट मैच में फ्लॉप गया, आज के मैच में भी फ्लॉप हो सकता है, क्यों हो सकता है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सामने वाली टीम में रवि बिश्नोई है, रवि बिश्नोई लेफ्ट हैंडर्स के विकेट बड़े आसानी से चटका देता है, और मुझे लग रहा है कि रवि बिश्नोई उसी टाइम पे बॉलिंग पे आएगा जिस टाइम पे शिवम दुबे स्ट्राइक पे रहेगा, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पे आता है और रवि बिश्नोई छठे सातवें ओवर के बाद में बॉलिंग पे आ जाता है, तो शिवम दुबे बस रवि बिश्नोई जीत हो सकती है रवि बिश्नोई की, ठीक है, तो शिवम दुबे को ड्रॉप करूंगा। बाकी हाँ, ग्रैंड लीग में आप ले सकते हो, स्मॉल लीग में मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों, और ग्रैंड लीग की भी बहुत सी टीमों में ड्रॉप करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है रवि बिश्नोई को लेफ्ट हैंडर्स का आउट कर देता है, तो यहाँ से शिवम दुबे को नहीं ले रहा हूँ। बात करेंगे अजिंक्य रहाणे की, तो चाहो तो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पे रहाणे को भी रख सकते हो। अच्छा हाँ, अभी ओपनिंग तो यार रहाणे कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऋतु को हटा के रहाणे को ले रहा हूँ। मैंने वो क्या यार, पहले ओपनिंग करते थे ना दोनों, तो वो शुरू से याद रह जाता है, जबकि दो मैच से रहाणे आ रहा है ओपनिंग पे, तो रचिंद्र रविंद्र और रहाणे इन दोनों को लेके चलूंगा, बाकी ऋतुराज गायकवाड़ को चेस करते हुए लेके चलूंगा, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग में नहीं लूंगा। फर्स्ट बैटिंग में जो वन डाउन का प्लेयर रहेगा मुश्किल है कि उस वो चल पाए, क्योंकि शुरू में रन बनेंगे फिर उसके बाद में विकेट गिरना स्टार्ट होंगे, तो हो सकता है एक के साथ एक फ्री, पहला विकेट गया उसके साथ में गायकवाड़ भी चला गया, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से रहाणे और रचिंद्र रविंद्र दो प्लेयर ले रहा हूँ बैटिंग सेक्शन में। अब जो नीचे के प्लेयर हैं ये हैं भाइयों ग्रैंड लीग की पिक, किस कंडीशन में लेना है बता देता हूँ। दीपक हुडा भाइयों देखो, इसका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं है, हो सकता है कि मैच फिर से वही पहला विकेट अगर लेट गिरता है तो फिर रन को पहुँचा दें, या फिर पहला विकेट जल्दी गिर गया, वो पता नहीं है ना जल्दी गिरेगा कि लेट गिरेगा, वैसे तो इस पिच पे विकेट गिरना पहला जो है थोड़ा लेट ही गिरेगा, छः ओवर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है पहला विकेट गिरेगा, तो हो सकता है कि उस टाइम पे आ जाए हुडा, या फिर उससे लेट गिरा तो फिर डायरेक्ट आएगा पूरन, क्योंकि भाई देखते नहीं हो एसआरएच क्या करती, क्लासेन को पहुँचा देती है, चौथे पाँचवें पे खेलता है लेकिन वन डाउन आ जाता है, तो वही चीज़ है, सभी टीमों को अपना स्कोर बड़ा करना पड़ता है ताकि मैच में जीवित रहे, ठीक है। तो यहाँ से दीपक हुडा भाई ग्रैंड लीग की पिक है, 7% सिलेक्शन है, और आपको एक खास बात बता दूँ, दीपक हुडा बॉलिंग भी कर सकता है आज के मैच में, क्योंकि ये स्पिनर है, और सबसे मेन बात यह है कि इसका सिलेक्शन बहुत कम है। बॉलिंग क्यों कर सकता है, देखो भाई सीएसके की टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं, रचिंद्र रविंद्र है, शिवम दुबे है, मोइन अली है, और रविंद्र जडेजा है, मतलब टॉप 6 बल्लेबाजों में 4 लेफ्टी हैं, तो उन लेफ्टियों के विकेट हो सकता है कि दीपक हुडा आपको निकालता हुआ दिखाई दे, बॉलिंग डालता हुआ आपको दिखाई दे, तो दीपक हुडा पे आज आपको फोकस करना है। हो सकता है कि मैं अपनी स्मॉल लीग टीम में भी ले लूँ, क्योंकि बॉलिंग आज के मैच में डालने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। बात करेंगे बधौनी की, तो भाई वो बधौनी को आप फर्स्ट बैटिंग में बिल्कुल अपनी टीम में ले सकते हो, नहीं तो थोड़ा रिस्की ही रहेगा, ठीक है, अगर लखनऊ के चेन्नई के फेवर में टीम बना रहे हो तो भी आप बधौनी को ले सकते हो, क्योंकि चेन्नई जीतेगी तो हो सकता है बधौनी की बैटिंग जल्दी आ जाए, तो बधौनी तो यार मौका ही ढूंढता है चौका मारने के लिए, तो बैटिंग जल्दी आएगी तो बधौनी जरूर रन बनाएगा, तो अगर आप सीएसके की फेवर में टीम बना रहे हो तो बधौनी को भी अपनी ग्रैंड लीग की टीमों में शामिल कर सकते हो, ग्रैंड लीग की एक बहुत अच्छी पिक है, ठीक है। और सीएसके के खिलाफ लास्ट ईयर बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी, 5 करोड़ रुपए जीत रहा था उस मैच में, पानी आया, 5 करोड़ का सपना सपना रह गया, 5 करोड़ लाइव विनिंग स्क्रीनशॉट डाला था मैंने, अब क्या करें वो मैच ही यार पानी की वजह से धुल गया था, एक इनिंग हुई थी दूसरी इनिंग हो ही नहीं पाई थी, बड़ा दुख हुआ था, 1.5 लाख लगा के 5 करोड़ रुपये विन कर रहा था स्मॉल लीग्स में, एक तरफा 300 पॉइंटों की लीड चल रही थी मेरी, लास्ट ईयर की बात है, सीएस के पास लखनऊ का मैच था, बधौनी ने 50 मारी थी, विराट कोहली सेलिब्रेशन नहीं पूरन वाला सेलिब्रेशन दिखाया था, ये वाला बड़ा ज़बरदस्त मैच चल रहा था यार वो, तो बधौनी का रिकॉर्ड अच्छा है बताना ये चाह रहा था, ठीक है, चेन्नई के खिलाफ बैटिंग आएगी तो ज़रूर आपको बढ़िया काम करके देगा। बाकी ये सीरीज भी खेलना थोड़ा मुश्किल है इसका यार,
खामा का खरीद लिया, इतना महंगा कुछ काम वाम कर ही नहीं रहा है। लेकिन अब बैटिंग ही नहीं आती ना यार, बैटिंग लास्ट मैच में आई थी तो भाई आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ के कभी कभी डिपेंड भी कर देना चाहिए, तो उनने दिया मिला के और हो गए स्टंपिंग। तो एस रिज भी भाई ग्रैंड लीग की पिक है, चाहो तो ग्रैंड लीग में ले सकते हो, खासकर चेन्नई पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में, और अगर प्लेइंग 11 में नहीं है तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो भाई यहाँ से दो बल्लेबाज तीन विकेट कीपर, लखनऊ अगर पहले बॉलिंग करती है तो। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स में, ऑलराउंडर्स में भाई खजाना, यहीं से आपको अपने सीवीसी बनाना है। बोलोगे भाई किसको बनाना है, चलो बता देता हूँ। तो भाई ऑलराउंडर सेक्शन में एक ऑलराउंडर आज के मैच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसका नाम है रविंद्र जडेजा। आज के मैच में कैप्टन बनाने लायक प्लेयर है, रीज़न है राहुल, स्टोइनिस, दीपक हुडा, बदोनी राइट हैंडर्स प्लेयर्स हैं, राइट हैंडर्स के विकेट आराम से निकाल सकता है, प्लस जडेजा प्रमोट भी हो रहा है चौथे नंबर पे, बैटिंग भी अब कर रहा है, तो बैटिंग से भी उम्मीद कर लो, बॉलिंग से भी उम्मीद कर लो, प्लस फील्डर बहुत अच्छा है, रन आउट कैच वगैरह के भी आपको पॉइंट दिला के जाएगा। तो कैप्टन बनाने के लिए आज के मैच में रविंद्र जडेजा एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। लास्ट मैच में भी आपको कैप्टन दिया था, बढ़िया बैटिंग करी थी, एक हाथ विकेट और ले जाता तो बहुत पॉइंट हो जाते। आज के मैच में आपको दोनों ही काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, इस पिच पे स्पिनर्स का बोल वाला है और रविंद्र जडेजा यहाँ पे हमेशा विकेट निकालता है, लेफ्टी हो राइटी हो दोनों को ही विकेट, दोनों के विकेट ले जाता है, ज़्यादातर राइटी को आउट करता है। तो रविंद्र जडेजा पे आज आपको फोकस करना है, 90% सिलेक्शन है, काम भी आपको ज़्यादा करके देने वाला है, ठीक है। बात करेंगे और किसकी, तो भाइयों मोइन अली, मोइन अली भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा आज के मैच में, सीवीसी बनाने लायक प्लेयर रहेगा आज के मैच में। रीज़न क्या है, राइटी तो है ही लखनऊ में, लेफ्ट हैंडर्स भी बहुत हैं, डिकोक है, पूरन है, कुणाल पांड्या है, अगर देवदत्त पाटीकल खेलता है तो वो एक लेफ्टी है, और मोइन अली कई बार राहुल को भी आउट कर चुका है, और एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, इसमें इस पिच पे स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, तो भाइयों मोइन अली आज राइटियों के भी विकेट ले सकता है। तो मोइन अली बॉलिंग से आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस बैटिंग भी करता है, बैटिंग का भी आपको बैकअप मिलेगा। तो मोइन अली और जडेजा भाई ये दोनों आज के मैच में सीवीसी बनाने लायक प्लेयर हैं। ग्रैंड लीग में आप मोइन अली को भी कैप्टन बनाओ, और ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में आप जडेजा को भी बनाओ, ठीक है। तो ये दोनों प्लेयर तो सीवीसी बनाने लायक है, टीम में तो रखना जरूरी है ही, दोनों ही कंडीशन में आपको विकेट निकाल के देने वाले हैं, ठीक है। और मोइन अली लखनऊ के खिलाफ हमेशा विकेट निकालता है, लास्ट ईयर भी दोनों मैचों में चार चार विकेट निकाले थे, कैप्टन दोनों मैचों में बना था, और लास्ट मैच में भी बैटिंग करी थी लेकिन विकेट नहीं मिल पाया, लेकिन भाई आज के मैच में आपको मुझे लग रहा है जरूर विकेट निकाल के देने वाला है। तो मोइन अली बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कुणाल पांड्या की, तो भाई कुणाल पांड्या को भी लेने वाला हूँ, रीज़न है ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, समीर रिजवी, एमएस धोनी, तो ये सब क्या है, राइट हैंडर्स प्लेयर्स हैं, तो कुणाल पांड्या राइट हैंडर्स के विकेट लेके जाता है, और अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़ ये कई बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट होते हैं, लास्ट मैच में बोला था रहाणे को आउट करेगा, रहाणे को आउट कर दिया था, और भी विकेट ले सकता है। देखो भाई पिच पे अगर स्पिन होती है तो स्पिनर ऐसा नहीं कि बस अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो राइट हैंडर्स को ही आउट कर रहा है, भाई लेफ्टियों को भी कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, जब बॉल यहाँ टप्पा खा के यहाँ घुसेगी तो कौन बल्लेबाज खेल पाएगा भाई, कहीं ना कहीं तो गलती कर ही देगा शॉट घुमाने में, या फिर मिस कर देगा बॉल को। तो आज के मैच में आपको स्पिनर्स का बोल वाला दिखाई देगा, तो कुणाल पांड्या भी एक जबरदस्त स्पिनर गेंदबाज है, सिलेक्शन बहुत कम है, 55% सिलेक्शन है, लास्ट मैच में भी चेन्नई के खिलाफ दो विकेट निकाल के दिए थे, आज के मैच में भी जबरदस्त पिक रहने वाला है, ठीक है भाइयों। बात करेंगे मार्कस स्टोइनिस की, तो भाइयों लखनऊ अगर पहले बॉलिंग करती है तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो लखनऊ बॉलिंग कर ही रही है यही सोच के अपन टीम बना रहे हैं, तो यहाँ से मार्कस स्टोइनिस को भी मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। और क्या है कि बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में ही करता है, ज़्यादा नीचे बैटिंग नहीं करता है, हर मैच में स्टोइनिस की बैटिंग आ ही जाती है, तो बैटिंग से भी आपको अच्छा खासा काम करके दे सकता है चेस करते हुए। बाकी हाँ रविंद्र जडेजा का इसको डर रहेगा, रविंद्र जडेजा इसको आउट कर सकता है, क्योंकि जडेजा आता है और स्टोइनिस जाता है, लास्ट ईयर लखनऊ व सीएसके के मैच में 0 पे आउट किया था रविंद्र जडेजा ने अपनी पहली बॉल पे, तो स्टोइनिस होता भी है कई बार लेफ्ट आर्म स्पिनरों पे, कुलदीप की बॉल पे जा चुका है, और भी इस आईपीएल में आप देखो स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है, तो रविंद्र जडेजा विकेट ले सकता है स्टोइनिस का, पर बॉलिंग अगर लखनऊ कर रही है तो स्टोइनिस विकेट ले सकता है चेन्नई के, डेथ ओवर्स में भी आ सकता है, तो बॉलिंग से इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस भाइयों इंडिया में रन बनाता है स्टोइनिस हमेशा, तो मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चार ऑलराउंडर लेके चल रहा हूँ अगर लखनऊ पहले बॉलिंग कर रही है तो, दो बल्लेबाज तीन विकेट कीपर। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, नीचे से और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, कृष्णप्पा गौतम को खिला सकते हैं, खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना आज के मैच में जो भी स्पिनर खेलेगा इंपॉर्टेंट रहेगा,
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं भाइयों, बॉलिंग सेक्शन में किस किस को लेने वाला हूँ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो भाई, जो टीम बॉलिंग करेगी उसके फेवर में मैं जाऊँगा, उसी के बॉलर उठाऊंगा। खासकर ये काम मैं स्मॉलिक में करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको सारे ही बॉलर्स का बता देता हूँ किसको आपको किस कंडीशन में लेना है। ज़्यादातर मैचों में बॉलर्स बन जाते हैं सीबीसी, क्यों बन जाते हैं, क्योंकि भाई जब अच्छा खासा टारगेट बना दे टीम तो सेकंड इनिंग में प्रेशर से विकेट चले जाते हैं, या फिर ड्यू फैक्टर है तो फर्स्ट इनिंग में विकेट जाते ही जाते हैं। तो बॉलर्स, कल भी बोला था मैंने, बॉलर कैप्टन बनेगा। देखो संदीप शर्मा बन गया ना कैप्टन, भाई लाइव में आ जाए करो। देखो संदीप शर्मा का मुझे वीडियो में नहीं पता था कि खेलेगा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि संदीप शर्मा आ गया है, क्लियर बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सारी टीमें जो टेलीग्राम पे, जितनी टीम थी सारी टीमों में लेके दिया, और मेरे कॉम्बिनेशन आप देखो टेलीग्राम पे आके, जयसवाल और संदीप शर्मा सीबीसी थे मेरे, एक प्लेयर से ग्रेड लीग मिस हुई है मेरी, यकीन नहीं है आके देख लो टेलीग्राम। ओपन टीमों से बंदों को मिनी ग्रेड लीग तक के विन करवा रहा हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार भाइयों। याद से अब बात करते हैं बॉलर्स की। पहले मैं आपको सारे बॉलर्स का बता देता हूँ किसको किस कंडीशन में लेना है, फिर यहाँ से दो गेंदबाज में कौन से लूँगा, लखनऊ पहले बॉलिंग करती है वो बताऊँगा। तो सबसे ऊपर है मथीशा पथिराना, चेन्नई की टीम पहले बॉलिंग करती है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेगा। वैसे पथिराना बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट चटकाने में अपना ध्यान लगाता है, हर मैच में विकेट लेके जाता है। तो चाहो तो सेकंड बॉलिंग में भी ले सकते हो, लेकिन मुझसे आप पूछोगे भाई आप कब लोगे, तो मैं लूँगा फर्स्ट बॉलिंग में, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में 14वां, 16वां, 18वां और 20वां ये ओवर डालता है, जहाँ पे विकेट आना लगभग पक्का रहता है। तो पथिराना, ठीक है, फर्स्ट बॉलिंग में वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीसी बनाने लाइक प्लेयर। रवि बिश्नोई, दोनों ही कंडीशन में आज के मैच में आपको लेके चलना है। रीज़न है कि सामने वाली टीम जो चेन्नई है उनमें लेफ्ट हैंडर्स 4-4 हैं, और रवि बिश्नोई नाम का लेग स्पिनर है, इसका नाम रखो गुगली बॉलर, सारी बोले गुगली डालता है, जिसमें लेफ्ट हैंडर्स के विकेट बड़ी आसानी से आते हैं। एक राशिद खान और एक रवि बिश्नोई, ये दोनों भाई लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, लेफ्टी स्ट्राइक पे मतलब उसका खात्मा। तो रवि बिश्नोई, 4 लेफ्टी है चेन्नई की टीम में, आज के मैच में भाई विकेट ले सकता है ज़्यादा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना रवि बिश्नोई पे ज़्यादा। 28% सिलेक्शन है, ज़बरदस्त पिक है, चेन्नई का ग्राउंड है, स्पिनर्स का बोल वाला रहता है, रवि बिश्नोई आज आपको विकेट ज़्यादा निकाल के दे सकता है, प्लस विकेट स्लो हो चुका है तो स्लो सरफेस पे स्पिनर्स की बॉल और भी ज़्यादा टर्न होती है, और क्या है मौसम अभी चल रहा है गर्मी का, तो गर्मी में पिच रहती है ड्राई सरफेस की वजह से भी स्पिनर्स का रहता है बॉल वाला। और रवि बिश्नोई मैंने आपको बता ही दिया लेफ्टियों के विकेट निकालता है, सामने वाली टीम में 4-4 लेफ्टी है, तो आग बन करके आप अपनी सारी टीम में रवि बिश्नोई को भी बिल्कुल ले सकते हो, ठीक। बात करेंगे मुस्तफिजुर रहमान की, तो देखो भाई ये 2 ओवर शुरू में डालता है, 2 ओवर आखिरी में डालता है, तो फर्स्ट बॉलिंग में भी ले सकते हो, सेकंड बॉलिंग में भी ले सकते हो। और अभी आईपीएल में बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है इसका, हर मैच में विकेट जरूर निकाल रहा है, इस मैच में भी आपको निकाल के दे सकता है दोनों ही कंडीशंस में, चाहे चेन्नई पहले बॉलिंग करें चाहे बाद में बॉलिंग करें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब रह सकता है भाई, तो मैं बोलूँगा कि भाई फर्स्ट गेंदबाजी में, सेकेंड गेंदबाजी में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट गेंदबाजी में रहेगा, क्योंकि 17वां और 19वां ओवर आपको डालता हुआ दिखाई देगा, तो डेथ ओवर्स में 2 ओवर इसके पक्के आएंगे। बात करेंगे दीपक चहर की, और हाँ उससे पहले एक बात और बता दूं, मुस्तफिजुर रहमान की पहला मैच हुआ था आरसीबी के खिलाफ, पंजा खोला था, और वो मैच पहले मैच से ही आपके भाई ने धमाके करना स्टार्ट किए, 9% सिलेक्शन था उस दिन, स्मॉल लीग में लेके दिया था, ग्रेड लीग में सीबीसी बनाया था। तो रहमान आज के मैच में भी ज़बरदस्त रहेगा, इसी पिच पे तो 5 विकेट निकाले थे, ये चीज़ भी आपको बताना जरूरी थी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप रहमान को ले सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट बॉलिंग में रहने वाला है। बात करेंगे दीपक चहर की, तो भाइयों दीपक चहर पावर प्ले का गेंदबाज है, सेकंड बॉलिंग में लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ड्रॉप भी कर सकते हो, फर्स्ट बॉलिंग में रिस्की रहता है, सेकंड बॉलिंग में लेकिन रिस्क लेना इस पर बढ़िया रहता है, तो दीपक चहर सेकंड बॉलिंग में, ठीक है। यश ठाकुर की बात करेंगे, तो भाइयों लखनऊ पहले बॉलिंग करती है, तो आग बन करके लो, आग बन करके लो, क्यों लो, क्योंकि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, आखिरी के ओवर इसी को मिलते हैं, तो आखिरी में भाई फर्स्ट बॉलिंग में विकेट जाते हैं ना, कभी बॉलर स्ट्राइक पे रहता है तो कभी बल्लेबाज रहता है, तो वो भी धमाधम शॉट घुमाता ही है, तो वहाँ पे डेथ ओवर में विकेट फास्ट गेंदबाज के खाते में आते ही, तो जो मैंने बोला था ना 16 से लेके 20 ओवर, तो उसमें ये रहेगा यश ठाकुर, अगर पहले गेंदबाजी लखनऊ की है, सेकेंड बॉलिंग में भी यही इसी टाइम पर बॉलिंग डालेगा, ठीक है। तो यश ठाकुर पर आपको फोकस करना है, डेथ ओवर्स में आपको गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देने वाला है,
फर्स्ट बॉलिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सीवीसी भी बन सकता है। ठीक है, मैट हेनरी कुछ नहीं करा लास्ट मैच में, लेकिन अगर आज लखनऊ की टीम पहले बैटिंग करती है ना भाई, गारंटी देता हूं विकेट निकाल के देगा। ठीक है, क्यों? सेकंड बॉलिंग में हमेशा विकेट निकालता है, फर्स्ट बॉलिंग में लास्ट मैच में मैंने ड्रॉप कर दिया था, सब लोगों ने उठा लिया था, मैंने ड्रॉप किया था, मुझे मालूम है सेकंड बॉलिंग में काम का है, फर्स्ट बॉलिंग में काम का ही नहीं है। तो मैट हेनरी आज भी आपको सेकंड बॉलिंग में जबरदस्त काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन क्या है कि भाई गेंदबाज बहुत अच्छा है, तो हो सकता है फर्स्ट बॉलिंग में भी ले जाए, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में थोड़े कम चांसेस रहते हैं विकेट लेने के। लेकिन अगर लखनऊ पहले बैटिंग कर रही है तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ विकेट जरूर निकाल के देगा। तो लखनऊ अगर पहले बैटिंग कर रही है तो मैट हेनरी पे फोकस करना है, सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे तुषार देशपांडे की, तो भाई वो तुषार देशपांडे को आपको लेना है सेकंड बॉलिंग में, फर्स्ट बॉलिंग में ये रिस्की रहता है क्योंकि इसका स्पेल पावर प्ले में ही खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसके पास में आखिरी ओवर आ जाता है जिसमें ये विकेट ले जाता है, तो ट्राई कर सकते हो फर्स्ट बॉलिंग में, कम टीमों में लेना, लेकिन ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट में बोलूंगा तो सेकंड बॉलिंग में रहेगा। ठीक है, सेकंड बॉलिंग में आप तुषार देशपांडे पे रिस्क ले सकते हो, 13% सिलेक्शन है। बात करेंगे मोहसिन खान की, तो भाई वो लास्ट मैच में विकेट ले गया भाई फर्स्ट बॉलिंग में, लेकिन देखो ऐसे जो गेंदबाज होते हैं जो पावर प्ले में गेंदबाजी डालते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा एक मिलता है बस, तो ये भी पावर प्ले का गेंदबाज है, लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग रहती है तो भाई इनके एक नहीं तीन चार विकेट हो जाते हैं। तो सेकंड बॉलिंग में मोहसिन खान को लेना है, फर्स्ट बॉलिंग में चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट मैच में दो ओवर शुरू में डाल के शांत हो गया था, आखिरी में दो ओवर डालने आया था, तो मोहसिन खान भी एक इंपॉर्टेंट पिक दिखाई दे रहा है इस मैच में दोनों ही कंडीशंस में, लेकिन मैं कब लूंगा सेकंड बॉलिंग में, फर्स्ट बॉलिंग में ड्रॉप करूंगा। ठीक है, बाकी ग्रीन लीग में देखो भाई ऐसे प्लेयर बहुत काम आते हैं जिनका सिलेक्शन बहुत कम होता है, ये सब चीज़ें आपको आपका भाई बताएगा क्योंकि आपका भाई आए दिनों ग्रीन लीग जीतता जिताता है, तो ग्रीन लीग विन करने का एक्सपीरियंस है, कई सालों से खेल रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस है, इसलिए तो हर मैच में परफेक्ट सीवीसी देता हूँ आपको बना के। तो मोहसिन खान सेकंड बॉलिंग में जबरदस्त रहेगा। तो सारे ही बॉलर्स का मैंने आपको बता दिया है, बाकी और कोई खेलेगा तो वो तो पता चलेगा आपको लाइव में आके क्लियर कर दूंगा, अगर कुछ भी नई अपडेट रहती है लाइव में आके बता देता हूँ, मेरी वीडियो से ज़्यादा लाइव में व्यूज आते हैं, वीडियो पे अगर 1 लाख व्यूज आ रहे हैं तो लाइव में 2 लाख व्यूज आते हैं, क्योंकि लाइव में जो प्रेडिक्शन देता हूँ भाई वो सुन के ही तो बंदे ज़्यादा ग्रैंड लीग विन करते हैं, लेकिन वीडियो भी देखा करो ध्यान से क्योंकि वीडियो की टीम ग्रैंड लीग विनिंग टीम होती है भाई, यकीन नहीं है भाई सारी वीडियो देखो खोल के, यकीन आपको हो जाएगा, सारी वीडियो देखो खोल के, कल की देखो परसों की देखो नरसों की देखो तरसों की देखो पूरे आईपीएल की देखो और बस स्कोर कार्ड मैच करो, वीडियो में जो मेरी टीम रहती है वो ड्रीम टीम रहती है, तो वीडियो की टीम भाई कई बार बंदे लगा के जीत जाते हैं, अभी वो ट्रेविस हेड और नटराजन को सीवीसी दिया था, बंदे सारे जो मेरे थे वही थे टॉप पे, और कोई नहीं था, मेरे ही बंदे थे टॉप पे, यकीन नहीं है एक बार देखो खोल के, एसआरएच की टीम, एसआरएच वर्सेस डीसी की टीम, भाई मैं तो बोलता हूँ कल की देखो परसों की देखो सब देखो खोल के देखो, आपका भाई हवा में बातें नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना, लोग करते हैं हवा में बातें, स्मॉल लीग विन नहीं होती है लोगों से, आपका भाई बैक टू बैक ग्रैंड लीग विन करता करवाता है, तो ऊपर वाले की देन है। चलो बात करते हैं भाइयों कि लखनऊ पहले बॉलिंग कर रही, तो दो गेंदबाज में कौन से ले रहा हूँ यहाँ से, बाकी फिर उसके बाद में टीम बना के बताऊंगा आपको सीएसके पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में। तो देखो भाई एक प्लेयर का मैंने नाम बोला था रवि बिश्नोई, दोनों ही कंडीशन में रखना है बिश्नोई, और पहले बॉलिंग लखनऊ की है तो यहाँ से यश ठाकुर, चेस हो सकता है भाई, हो सकता है सेकंड इनिंग में आज विकेट ही नहीं गिरे कल गिरेगा, हो सकता है वही चांसेस है पूरे, स्पिनर हो सकता ले सकते हैं लेकिन पेसर्स को शायद ही मिल पाए। ठीक है, तो ये टीम रहेगी भाइयों लखनऊ की टीम पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में। बात करेंगे इसमें सीवीसी की, तो देखो भाई मेरे सीवीसी फिक्स है जडेजा और मोइन अली, क्योंकि ये आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट्स देने वाले हैं, प्लस इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है और विकेट जो है स्लो है, तो स्लो सरफेस पे विकेट चले जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी आपको रन मार के दे सकते हैं, जडेजा चौथे पे और मोइन अली आपको पांचवें छठे पे बैटिंग भी करता हुआ दिखाई देने वाला है। तो ये टीम रहेगी लखनऊ पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में। अब एक टीम में आपको बता देता हूँ सीएसके पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में। देखो भाई सीएसके पहले बॉलिंग करती है ना तो सबसे पहले बॉलिंग में जाओ पथिराना को उठाओ, पहले बॉलिंग में जबरदस्त पिक, रहमान को उठाओ, बिश्नोई को तो रखना ही है। ठीक है, और किसको रखोगे,
दीपक चेर को नहीं रखना है अभी। दीपक चेर जब काम में आएगा जब लखनऊ बॉलिंग करती है, ग्रेट लीग में, स्मॉल लीग में लेना रिस्की भी ले सकता है, पर मैं रिस्क से इश्क करता हूँ मालूम है ना, इम्पैक्ट प्लेयर को उठा के लाता हूँ स्मॉल लीग में। तो दीपक चेर को अभी नहीं ले रहा हूँ, यश ठाकुर को भी अब नहीं ले रहा हूँ, हेनरी को ले सकता हूँ खासकर इसी टीम में, ठीक है देख लेते हैं अभी किसी टीम बन रही है, हेनरी को भी रख लेते हैं, मोहसिन खान भी काम आ सकता है। ये ग्रैंड लीग की टीम बना के बता रहा हूँ, चलो यार अभी है ना, मैं आपको स्मॉल लीग बना के बताता हूँ पहले, फिर ग्रैंड लीग बना के बताता हूँ। तो अभी के लिए यहाँ से मैंने तीन गेंदबाज रखे हैं ऑलराउंडर, दो ग्रैंड लीग की टीम अभी आपको बना के बताऊंगा, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है समझो दोनों, ठीक है। ऑलराउंडर में ये तीन तो मेरे कॉमन है, इनको तो मैं रखने वाला हूँ, बाकी स्टोइनिस को अब मैं ड्रॉप करूंगा। और यहाँ से जाएंगे बैटिंग सेक्शन में, तो देखो भाई सीएसके चेस कर रही है, तो यहाँ से रचिंद्र रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे, ये तीन आपको चेस करके दे सकते हैं पूरा टारगेट, हो सकता है 8 विकेट 9 विकेट से चेस हो जाए, तो ये तीनों आपको बढ़िया काम करके दे जाए, या फिर 7 विकेट से भी चेस हो रहा है तो जडेजा भी अपने पास में है, मोइन अली भी है अपने पास में, ठीक है। तो चेन्नई के जो लेने थे वो ले लिए। अब बात करते हैं विकेट कीपर में, तो देखो भाई चेन्नई अगर जीतती है ना तो पूरन मेरे को लगता है धमाका करने वाला है, पूरन को रखूंगा, बाकी राहुल विकेट कीपरिंग भी कर रहा है, तो ये टीम रहेगी भाई चेन्नई अगर पहले बॉलिंग करती है तो। ध्यान रखना ये जो दोनों मैंने टीमें बना के बताई है स्मॉल लीग की थी, लेकिन मेरी स्मॉल लीग की टीम भी ग्रैंड लीग जिताती है, ये भी ध्यान रखना। बात करेंगे इसमें सीवीसी की, तो भाई मेरे सीवीसी मैंने आपको बताई थी जडेजा और मोइन अली, जब आपको खुद पता है कि भाई ये प्लेयर मुझे 100-100 पॉइंट दिलाने वाले हैं, 150-150 पॉइंट दिलाने वाले हैं, तो उन्हीं को बनाओगे ना सीवीसी, तो वही चीज़ें मेरे साथ में, ये दोनों मुझे लग रहे हैं आज 150-150 पॉइंट दिला के देंगे। बाकी राहुल भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है, पर लास्ट मैच में वैसे ही चल के आ रहा है, सब लोग बनाएंगे, सब लोग को बना दो ना, अपन दूसरा बनाएंगे स्मॉल लीग में, बाकी ग्रैंड लीग की टीमों में तो भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। तो ये थी चेन्नई बॉलिंग करती उस कंडीशन में टीम। अब मैं आपको दो ग्रैंड लीग की टीम बना के बता देता हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद में दो तीन चीज़ें आपको पहले बता ही देता हूँ यार। देखो भाई 6 बजे लाइव आऊँगा, जो भी न्यू अपडेट्स होगी लाइव में आके बताऊँगा, लाइव प्रेडिक्शन देखोगे ना बोलोगे भाई यार क्या बात है यार, तो ऐसे बोलोगे आप, ठीक है लाइव में आ जाना। और टेलीग्राम चैनल जहाँ से ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम वहीं पर दूंगा, लीग 11 डाउनलोड कर लेना, इन्वेस्टमेंट वहीं पे करना, आसानी से जीतोगे, याद करोगे हाँ यार भाई किसी ऐप का नाम आपने बताया था, विड्रॉल पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्लस सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। तो विनिंग करो और खूब विड्रॉल करो, दूसरी जगह पे खेलोगे विनिंग करोगे टीडीएस देना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, तो लीग 11 डाउनलोड कर लेना, बस तीन ही चीज़ों का ध्यान रखना था आपको, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लीग 11 डाउनलोड करना है और 6 बजे लाइव में मिलना है। अब मैं आपको ग्रैंड लीग की टीमें, दो ग्रैंड लीग की टीम स्पेशल आपके लिए बना के दिखा देता हूँ, हो सकता है ये दो ग्रैंड लीग की टीम आपको आज के बीच में ग्रैंड लीग दिला दे। चलो मान के चलो सीएसके पहले बॉलिंग कर रही है, तो यहाँ से मैं पथिराना, रहमान और अब जो है रवि बिश्नोई, देखो भाई विकेट स्लो हो चुका है, बॉलर्स का बोलबाला हो सकता है इस मैच में 5-6 गेंदबाज चल जाए, तो कोई लेगा नहीं, सबसे मेन कोई ऐसी टीम बनाएगा नहीं, ये दोनों तो भाई जब लखनऊ बॉलिंग करेगी तब काम आएंगे, बाकी हेनरी और मोहसिन खान ये 5 गेंदबाज कब काम में आएंगे आपके, जब सीएसके पहले बॉलिंग करती है, शार्दुल ठाकुर खेलता है तो वो भी फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा चेन्नई अगर बॉलिंग कर रही है तो, ठीक है। और कोई है नहीं नीचे, चलते हैं ऑलराउंडर्स में, तो देखो भाई ऑलराउंडर मेरे फिक्स है, ठीक है चेन्नई बॉलिंग कर रही है तो मैं लखनऊ की तरफ से स्टोइनिस को नहीं लूँगा। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो भाई बैटिंग सेक्शन में मुझे लग रहा है रचिंद्र रविंद्र आज बॉलिंग करने वाला है, तो रचिंद्र रविंद्र को ले रहा हूँ, हुडा का भी लग रहा है मुझे आज बॉलिंग करेगा तो हुडा को ले रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में सीएसके पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं एक रिस्क लूंगा पूरन के ऊपर, पूरन हमेशा चलता है सीएसके के खिलाफ, तो ये रहेगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। आप इसमें एक हाथ चेंज कर सकते हो, चाहो तो रहमान की जगह पे क्या कर सकते हो, कहाँ गया रहमान, रहमान की जगह पे आप किसी दूसरे बॉलर को ले सकते हो, जैसे कि बल्लेबाज भी रख सकते हो, चाहो तो देखो भाई राहुल को रख सकते हो क्योंकि है यार बंदा उस लाइक है, तो ये काम आप कर सकते हो, ग्रैंड लीग की टीम आपकी हो जाएगी, ये लखनऊ के फेवर में हो जाएगी, लखनऊ जीतेगी ये टीम आपको काम करके देगी, खासकर पहले बैटिंग में रहेगी ये टीम, उल्टा भी होता है मैच में, पहले बैटिंग करते हुए अगर लखनऊ 250 रन मार देगी तो क्या करोगे, फिर थोड़ी होता चेस, फिर तो कितनी भी ड्यू गिरे, ये भी चीज़ है भाई, तो फिर क्या बॉलर हावी हो जाते हैं, तो यहाँ से ये टीम रहेगी मेरी अगर लखनऊ पहले बैटिंग करता उस कंडीशन में। बात करेंगे इसमें सीवीसी की, तो देखो भाई चाहो तो हुडा को कैप्टन कर सकते हो ग्रैंड लीग में, काम आ सकता है,
पर मैं किसको कर रहा हूँ, देखो भाई मुझे तो यार वही दोनों ठीक लग रहे हैं, लेकिन हाँ ये लखनऊ के फेवर में टीम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें रवि बिश्नोई को कैप्टन कर रहा हूँ और वाइस कैप्टन जडेजा को कर रहा हूँ। ये टीम रहेगी भाई, लखनऊ अगर पहले बैटिंग करती है तो ग्रीन लीग की, ठीक है एक टीम ये सेव कर लेता हूँ। अब एक टीम में आपको बना के बता रहा हूँ, सीएसके पहले बॉलिंग करती, वो लखनऊ पहले बॉलिंग करती है तो रवि बिश्नोई को तो रखना ही है। अब लखनऊ पहले बॉलिंग करती है तो यहाँ से यश ठाकुर और एम खान को नहीं ले रहे, अब किसको लेना है, दीपक चहर को और यहाँ से देश पांडे को, ठीक है। अगर लखनऊ पहले बॉलिंग करती है तो ये चार गेंदबाज ऑलराउंडर्स में, ये चार ऑलराउंडर आ जाएंगे अब, ठीक है, क्योंकि स्टोइनिस भी फर्स्ट बॉलिंग में विकेट ले सकता है। बाकी ये जो तीन स्पिनर है, जडेजा, मोइन अली और कुणाल पांड्या, ये मेरी टीम में आपको सारी टीमों में दिखाई देने वाले हैं। और अब क्या है, लखनऊ पहले बॉलिंग कर रहा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, हुडा को, राहुल को, डिकोक को, नहीं यार अब क्या है, ये सीएसके के फेवर में बनाओ, एक तो अपन बना ही चुके हैं, तो यहाँ से आप रचिंद्र रविंद्र को और किसको लोगे, गेकवाड़ को, नहीं गेकवाड़ का ज़्यादा सिलेक्शन है, थोड़ा रिस्की प्लेयर लो, अजिंक्य रहाणे का कम है, रहाणे को ले लो, ठीक है ये काम कर सकते हो। और रहा बचा एक प्लेयर, तो एक प्लेयर आप चाहो तो यहाँ से पूरन को ले सकते हो। अब इसमें आप एक हाथ चेंज और कर सकते हो, जैसे कि स्टोइनिस का सिलेक्शन ज़्यादा है, सभी लोग ले रहे हैं, अगर फ्लॉप हो गया तो सीधे सीधे ग्रीन लीग विन, तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, एक हाथ गेंदबाज देखते हैं, बताता हूँ कोई है क्या ज़बरदस्त, रेमान, हाँ रेमान दोनों कंडीशन में आता है। तो देखो भाई ये जो टीम रहेगी ये चेन्नई के फेवर में रहेगी, और चेन्नई पहले बैटिंग करती उस कंडीशन में रहेगी ये टीम ग्रीन लीग की। अब बात करेंगे इसमें सीवीसी की, तो देखो भाई चेन्नई के फेवर में जाओगे तो सबसे पहले आप जडेजा को कैप्टन करो, वाइस कैप्टन मोइन अली बेस्ट है, लेकिन बाद में बॉलिंग में यहाँ से दीपक चेर भी अच्छे विकेट ले सकता है, तुषार देशपांडे भी अच्छे ले सकता है, पर मैं किसको बना रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, मैं मोइन अली को ही बना रहा हूँ भाई, मुझे पता नहीं ये दोनों आज सीवीसी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका भाई जिसको सीवीसी बनाता वही सीवीसी बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इन दोनों को सीवीसी बना रहा हूँ, विकेट तो लेने वाले हैं, साथ में बैटिंग भी आपको अच्छी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये रहेगी भाइयों सीएसके पहले बैटिंग करती है तो मेरी ग्रैंड लीग की टीम, ग्रैंड लीग में अक्सर मैं उल्टा भी करता हूँ, ठीक है चेज होने वाला है तो मैं क्या करूँगा पहले बैटिंग को जिता दूंगा, क्योंकि सभी लोग अगर एक ही काम करेंगे तो भाई कंपटीशन तो वैसे ही हार्ड हो गया, तो अलग अलग आपको सोचना पड़ता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। तो ये टीम कब काम करेगी, जब सीएसके पहले बैटिंग करती है, ग्रीन लीग की टीम है। बाकी भाइयों सब कुछ बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 6 बजे लाइव मिलूंगा, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन करना, लीग 11 याद से डाउनलोड करना, और टेलीग्राम यार मेरा मेन चैनल लोगों ने उड़ा दिया, करता हूँ पहले मैं रिकवर करूँ उसके बाद में सारा खुलासा करूँगा, बताऊँगा सारी बात क्या थी, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो चैनल आ जाए, जब तक कि आप मेरा न्यू चैनल ज्वाइन कर लो, पर डे जैकपॉट दे रहा हूँ, टीम तो देखो जाके एक बार, टीम देखना उसके बाद ज्वाइन करना, कल की टीम देखो, परसों की देखो, बैक टू बैक हर मैच में धमाके कर रहा हूँ। जयसवाल को कोई कैप्टन देगा क्या कल आपको, आपके भाई ने वीडियो में भी बोला था, ओपन टीम में भी दिया था, संदीप शर्मा कोई लेगा क्या, 9% वाला प्लेयर कोई लेता है क्या, आपका भाई बैठा है ना लेता है ना, रिस्क अगर कोई लेता है ना इस फील्ड में और जिसका रिस्क वर्क करता है तो वो बैठा है आपका भाई। तो भाई अगर आपको पर डे एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ठोको भाई, पर डे बैक टू बैक विनिंग करवा रहा हूँ, एक लाइक ठोक देना, और क्या लाइक ठोकने से भी ग्रैंड लीग विन होती है, बोलोगे ये क्या लॉजिक है, तो भाई हाँ लॉजिक है, ऊपर वाला देखता है सब, अगर आपका मन साफ है आप वीडियो लाइक ठोक रहे हो मतलब आपका मन साफ है, तो भाई आप अगर 1000 रैंक पे भी हो ना फर्स्ट हो जाओगे, फर्स्ट से भी नीचे आ जाओगे अगर लाइक नहीं ठोका होगा, तो ऊपर वाला देख ही रहा है ना मन साफ नहीं, जिसकी नीयत साफ ग्रैंड लीग उसके पास, तो लाइक भी ठोक देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे 6 बजे लाइव में, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, लीग 11 डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाइयों 6 बजे मिलता हूँ लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स।